नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। PBR स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह आप लोग देखते हैं 7 बजे करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, आज करंट की फाइल ना उपस्थित होने के कारण आज हम आपको सामान्य विज्ञान दिखाएंगे। RRB NTPC के साथ साथ SSC के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को पूरा देखना। ये सामान्य विज्ञान के जो भी क्वेश्चन और आंसर हैं ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो चलिए जल्दी से कोशिश करिए, आप लोग शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या किसने कहा था? लास्की ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, अरस्तु या रूसू किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने कहा था। ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसका विस्तृत आंसर भी आपको बताएंगे। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ध्यान से देखना और बातों को सुनना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन वैज्ञानिक अरस्तु का था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से हैं? जल्दी से बताओ, वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से हैं? एल्गी, फंजाई, मानसेस, फर्न। जवाब दीजिए, वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मानसेस, फर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा फंजाई। फंजाई क्यों हो जाएगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे फंजाई यानी कि कवक, फंजाई को क्या बोलते हैं? इन्हें कवक भी कहा जाता है। ये गैर हरित पोषी पौधे होते हैं। पर्ण हरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यह विषमपोषी होते हैं। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हारमोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? पहला ऑप्शन है एड्रेनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया है। मानव शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है, ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? उसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसके बारे में हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं, ध्यान से देखना। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने पर, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने पर GH, TSH, ACTH हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। और आपको बता दें, यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखना और इस वीडियो को पूरा देखना, भाग के मत जाना। ये सवाल कई बार आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पौधे के किस भाग को कैंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र, वायदल। जल्दी से बताओ, केसर के रूप में पौधे का कौन सा भाग प्रयोग होता है केसर के रूप में? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका वर्तिकाग्र। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना। केसर का वनस्पति नाम क्रोकस सेटावाइस है, अंग्रेजी में इसे सैफ्रन नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया इसका अंग्रेजी नाम भी। अगला चलते हैं, पांचवा कह रहा है कि निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक फेस मेकर कहा जाता है? हृदय का प्रारंभिक फेस मेकर इनमें से किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है SA नोड, AB नोड, कोर्डे टेंडिन, AB सेप्टम। जवाब दो, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक फेस मेकर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा SA नोड। SA नोड को प्रारंभिक फेस मेकर कहा जाता है। सीरा अलिंद गांठ SA नोड को हृदय का प्रारंभिक फेस मेकर कहा जाता है, यह कोशिका का एक समूह होता है। आगे चलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउस में खेती। जवाब दीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, या प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउस में खेती। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन ऑप्शन नंबर C हो जाएगा
ग्रीन हाउस प्रभाव का जो सही अर्थ है वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाषण हो रहा है, ये ग्रीन हाउस का रियल में प्रभाव है। वायुमंडल में उपस्थित कुछ प्रमुख गैस से लघु तरंग दैर्घ्य सौर विकिरण को पृथ्वी के धरातल तक आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। इस कारण वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। इस घटना को ही हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। इसके लिए उत्तरदायी गैसों में प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें हैं। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? कीट, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। जल्दी से बताओ इनमें से मलेरिया कौन पैदा करता है? आपने सुना होगा मच्छर मलेरिया, कीट, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। दोस्तों ये हो जाते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया का जन्म होता है। आइए आपको दिखाते हैं इनके बारे में क्या है इतिहास। एक कोशिकीय परजीवी को प्रोटोजोआ कहा जाता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कौन सा है। प्लाज्मोडियम, ये देखो यहाँ पर पढ़ सकते हो आप लोग, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर इस परजीवी के वाहक होते हैं। चूँकि परजीवी के कारण होता है और इस परजीवी का जो वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया में तितली एवं श्वेत रक्त कोशिकाएँ प्रभावित होती हैं, माफ़ करिएगा, मलेरिया में तिल्ली एवं श्वेत रक्त कणिकाएँ कोशिकाएँ प्रारंभ प्रभावित होती हैं। ठंड के कारण बुखार होना मलेरिया का सामान्य लक्षण होता है। आपको अगर ठंडी भी लगती है और बुखार भी है तो ये मलेरिया का लक्षण होता है। आगे चलें, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? बचाव प्रदान करती है कहने का मतलब किससे बचाव करती है? एक्सरे से, गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से और रक्त किरणों से। दोस्तों पराबैंगनी किरणों से, जिसे आप लोग जानते होंगे एक्सयूवी रेज होता है ना, बहुत ही नुकसान करती हैं ये सभी। अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यूवी रेज जिन्हें बोलते हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, तो ध्यान से समझना। इसका रोक जो है वो ओजोन परत करती है, लेकिन प्रदूषण के कारण ओजोन परत लगभग ख़त्म हो रही है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही खतरा है। समताप मंडल में स्थित ओजोन की परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव करती है। आपको बता दें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, इनसे धरती पर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर ये डायरेक्ट धरती तक आ जाती हैं तो शरीर में छाले निकल आते हैं, पेड़ पौधे जल जाएंगे, सूख जाएंगे, बहुत सारा नुकसान होता है इन किरणों के माध्यम से, और बहुत सी विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। तो इसके लिए एक ही उपाय है, ओजोन परत को मजबूत करिए। उसके लिए प्रदूषण कम से कम होना चाहिए और इसके लिए आपको धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, तभी ये कुछ होने वाला है, वरना ये ऐसे कहानी गाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन या फिर नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इनमें से, ध्यान से देखना, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन देखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जबकि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए मित्रों, यहाँ पर इन्होंने आंसर जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। इसके लिए इनसे हम संपर्क करेंगे फ़िलहाल, और आपको बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, और जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा सब वीडियो में, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दोस्तों अगला ध्यान से देखना, कह रहा कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग रोग कहाँ पर होता है? विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग में, पेंट विनिर्माण उद्योग में, कोयला खान में। कोयला खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कोयले की खानों में जो लोग काम करते हैं उनमें ज़्यादातर व्यक्तियों को कार्बन के कारण ब्लैक लंग नाम का रोग हो जाता है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार की अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा पेट्रोल पंपों पर अग्निशामक रखा होता है, वो किस प्रकार का अग्निशामक होता है?
फोम प्रकार का, पाउडर प्रकार का, सोडा, एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हो जाएगा फोम प्रकार का। पेट्रोलियम अग्नि के लिए जो अग्निशामक प्रयोग किया जाता है वो फोम प्रकार का होता है। पेट्रोलियम पदार्थों से लगी आग में फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा विस्तृत नहीं करना है। पीतल किससे बनता है? तांबा और टिन से बनता है, तांबा और जिंक से बनता है, या फिर टिन और शीशा से, या तांबा टिन और जिंक से। तो दोस्तों पीतल जो बनता है वो तांबा और जिंक से बनता है। जो जिंक लिखा है ना, जिंक होता है, जिंक, जिंक आपने नाम सुना होगा, है ना, तांबा और जिंक से बनता है ये। आगे चलते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन नंबर जो है उसे ध्यान देना। ये जिंक जो है, देखिए वहाँ जिंक लिखा है ना, एक मिश्रित धातु होती है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? भाप अंगार गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। अगर कोई सवाल है तो पूछते जाना, कमेंट करते जाना, कोई टेंशन की बात नहीं है। नंबर दिया गया, पीडीएफ फाइल यहाँ से ले सकते हो। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदानियों मतलब जान रहे हो, चायदानी मतलब जिसमें से चाय वगैरह छानते हैं, या फिर जो भगोना होता है जिसमें चाय बनाते हैं, उसमें लकड़ी के हैंडल या फिर धातु के हैंडल क्यों लगे होते हैं? इसे बिजली का शॉक नहीं लगता, लकड़ी ऊष्मा का कुछ अलग होती है, इससे पात्र सुंदर लगता है, या फिर स्वच्छता होती है, लकड़ी ऊष्मा की कुछ अलग होती है। दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा अपने घर में क्या होता है, रोटी पकाने वाला तवा होता है, जिस पर रोटी पकाते हैं, तवा, उसका जो हैंडल होता है, अक्सर गाँव में जो पहले तवे होते थे उसमें हैंडल तो नहीं होता था, लेकिन अब इस समय जो तवे आ रहे हैं उनमें हैंडल ऐसे लगा होता है जिसमें लकड़ी का, आप देखते होंगे इस पे लगा होता है, उसको पकड़ के रखते हैं ना उठा के, आप सभी लोग देखे होंगे। वो लकड़ी का क्यों लगा होता है, प्लास्टिक का क्यों लगा होता है? कुकर में आपने देखा पीछे जो है हैंडल लगा होता है प्लास्टिक का, धातु का ना, क्यों लगा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो लकड़ी होती है या फिर प्लास्टिक होती है, ये ऊष्मा की कुछ अलग होती है, और इस तरह से वो हैंडल जो है गर्म नहीं होता है, और इससे आप जलते हुए तावे को भी उतार करके गैस से, चूल्हे से नीचे रख सकते हैं, ठीक है। अगर वो हैंडल ना लगा होगा लोहे के तावे में तो आप उस तावे को टच नहीं कर सकते हो, बहुत तेज जलेगा, ठीक ना, बात समझ गए ना। यहाँ पर देख सकते हो जिससे गर्म चाय छानते समय चायदानी की हैंडल गर्म नहीं होती है। आकाश ध्यान से देखना, कह रहा कि आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के प्रकाश का परिवर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का दीर्घोत्तर तरंग का प्रकीर्णन। तो साथियों आकाश किस कारण से नीला होता है, इसका राज्य आप कारण जानते हो? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग का दैर्घ्य प्रकीर्णन, इस कारण से आकाश नीला होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, जिसमें पराबैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने 15 क्वेश्चन देख लिया, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और आपको एक बात बताना चाहते हैं चलते चलते मित्रों, कि प्रतिदिन 7 बजे से आप लोग सुबह सुबह करंट अफेयर देखते हो, सामान्य विज्ञान की क्लास आपकी रात में 9 बजे से होती है, लेकिन करंट अफेयर न उपस्थित होने के कारण हमने आपको ये साइंस दिखाया है। तो कोशिश होगी आपकी, हम आपको करंट अफेयर ज़रूर दिखाएंगे। ये क्लास आप देख सकते हो ऊपर रात 1:10 पर रिकॉर्ड हो रही है, आपकी सुविधाओं और विश्वास को बनाए रखने के लिए, चाहे जितना भी लेट हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए, लेकिन हमारी कोशिश होती है आपको क्लास ज़रूर मिले। तो दोस्तों बहुत ही रियर केस में ऐसा होता है कभी कभी आपको क्लास ना मिले और आपको रेगुलर क्लास मिलती है। सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और संडे को क्लास आपको नहीं मिलेगी शेड्यूल के अनुसार, बाकी आप डिस्क्रिप्शन देखिए वीडियो का, वहाँ पे शेड्यूल है, उस अनुसार आपको क्लास मिलेगी डेली सुबह 7 बजे से करंट अफेयर, 8 बजे से कक्षा 10 की NCERT गणित और अन्य क्लासें होती हैं, ये सब आप पा सकते हो बिल्कुल फ्री। इसके लिए कुछ नहीं करना, केवल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। तो चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, क्लास को लाइक करके जाना बाबू, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।